और दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीवाई फाइनेंस में लोन लेने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों अगर आप भी डीवाई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाइव प्रूफ जो है यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो है डीवाई फाइनेंस में पहले लोन लिया था तो मुझे यहाँ पर जो है 23,300 रुपए का अप्रूवल आया था, जिसको मैंने यहाँ पर अप्लाई करके जो है अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। और इसकी जो है 12 EMI बनी थी, जिसमें जो है मैंने इसकी जो है 10 EMI पे कर दी है, 2 EMI मेरी यहाँ पर बाकी बची है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,249 रुपए की EMI बनी थी। तो दोस्तों इसमें जो है आपको जो लोन अमाउंट मिलता है उस पर कितना इंटरेस्ट लगता है और आपको कितने समय के लिए मिलता है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटी वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इस तरह के काम के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डीवाई फाइनेंस से लोन लेने के लिए जो है 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका दोस्तों ये होता है, जैसे कि आपने जो है डीवाई फाइनेंस से यानी कि सैमसंग से आपने कभी भी डीवाई फाइनेंस से आप अगर फोन यहाँ पे EMI पे लिया है तो आपको दोस्तों जो है अप्रूवल यहाँ पर आ जाता है। जैसे कि अगर आप जो है उसकी EMI सारी की सारी पे कर देते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाता है। आपके मैसेज पे या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया जाता है कि आपको इतने रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। और दूसरा तरीका दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि आप जो है गूगल पे के थ्रू यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट तरीका जो यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट तरीका है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद में यहाँ पर आपको सर्च करना है डीवाई फाइनेंस। डीवाई फाइनेंस ऐप लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो डीवाई फाइनेंस का आपके सामने ये ऐप आ जाएगा। इसको आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल का ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नंबर का, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ऊपर टर्म्स दिया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और कंटिन्यू विथ मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके नंबर पर यहाँ पर आपको नंबर डाल देना है जो भी आप नंबर से इसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद में आपके नंबर पर OTP कोड जाएगा, उस OTP कोड को आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो अगला पेज आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहां पर दोस्तों आपको जो है देखने को मिलेगा ऑफर योर लोन। तो यहां पर दोस्तों योर लोन पे जो है जब आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं आपको लोन मिल जाता है तो आप योर लोन पे जाकर अपना लोन चेक कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके कितने रुपए की EMI बनी है, अगली EMI आपकी किस डेट की है, लास्ट EMI आपकी किस डेट की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों मुझे जो है यहां पर 10,000 रुपए से लेकर 8 लाख तक का यहां पर लोन मिल रहा है। यानी कि यहां पर जो है आप 10,000 रुपए से लेकर 8 लाख तक का जो है यहां पर लोन ले सकते हैं। ये आपके सिविल पर डिपेंड करता है, जैसा आपका सिविल होता है उसी हिसाब से आपको यहां पर अप्रूवल मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं समय की बात करूँ तो मिनिमम समय जो है इनका 6 महीने का होता है और मैक्सिमम जो है आप यहाँ पर 6 महीने से लेकर 24 महीने, 48 महीने, 60 महीने इस तरह का जो है आप यहाँ पर EMI क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आप इनका देख सकते हैं 15% का है, यानी कि ये सालाना होता है। तो चलिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पर स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले अपने एरिया का पिन कोड डालना है और उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अगला जो पेज आएगा वो आपके सामने यहां पर दोस्तों पैन डिटेल्स का आ जाएगा। तो आपको यहां पर अपने पैन कार्ड पे जो भी नाम है आपका वो आपको यहां पर एंटर करना है और यहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद में यहां पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अपना यहां पर एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है कि आप काम क्या करते हो, आपकी जो है आप जो काम करते हो आप सैलरीड पर्सन हो, आप एक बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूँ तो मैं यहाँ जो है इसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में आपकी मंथली इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको जो है अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अपने होम एड्रेस का, तो आपको यहाँ पर अपना होम एड्रेस डालना होता है। तो आप यहाँ पर ऐड एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपकी लोकेशन आ जाएगी। आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपका होम एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है रेजिडेंस टाइप करना है। यहाँ पर जो है सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टर्म्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपने जो एड्रेस डाला है वो आप कितने सालों से वहाँ पर रह रहे हो, अगर आपको जो है कितने साल हो गए वो आप यहाँ पर साल में लिखेंगे और यहाँ पर मंथ लिखेंगे, जितनी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर आप उस समय से रह रहे हो तो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको अपने यहाँ पर बिजनेस का नाम डाला है, जो भी आप काम करते हो, अगर आप अपने घर पे ही काम करते हो या आपका कोई जो भी काम है वो आप यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अपने यहाँ पर वर्क का एड्रेस डालना है, जहाँ पर भी आप काम करते हो, आपका बिजनेस है वो आप अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करेंगे एड एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करके। दोस्तों एड्रेस आप जो है अपने वर्क का, जैसे कि आप अगर घर पर काम करते हैं तो घर का एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल लेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अगला पेज जो है आपके सामने इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो है लोन को कम्बर्ड कर सकते हैं, तो इस तरह से आपको जितने लोन की नीड है आप उसको उतना कर लेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है यहाँ पर मुझे जो है यहाँ पर 1,60,000 रुपये की ज़रूरत है, तो मैं इसको जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। हो सकता है अगर आप यहाँ पर 1,60,000 रुपये, जैसे कि मैंने यहाँ पर नीड है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो सकता है मेरा सिविल अगर कम होगा तो मुझे इससे भी कम लोन यहां पर मिल सकता है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर एक ओटीपी कोड फिर से भेजा जाएगा, वो ओटीपी कोड ऑटोमेटिकली यहां पर जो है फैक्स हो जाएगा। उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अगला इंटरफेस आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 90 सेकंड का वेट करना है, यानी कि 1.5 मिनट का आपको यहाँ पर वेट करना है। ऑटोमेटिकली जो है ये पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा और अगला पेज जो है आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है यू आर अप्रूव्ड, यानी कि आपका लोन जो है यहाँ पर अप्रूव्ड हो गया है। अब आपको यहाँ पर 3 और स्टेप को कंप्लीट करना होता है। पहले आपको अपनी जो है आइडेंटिटी यानी कि अपनी आईडी को जो है यहाँ पर कंफर्म करना होता है। उसके बाद में आपको अपनी बैंक डिटेल्स को यहाँ पर सेटअप करना होता है। उसके बाद में आपका लोन जो है रिव्यू में चला जाता है। उसके बाद में जो भी आपको लोन मिलता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो चलिए आप यहाँ पर जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड जाएगा, उस ओटीपी कोड को आप यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपको एक परमिशन यहाँ पर देनी होगी, तो आप यहाँ पर जो है इसको अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में आपके यहाँ पर KYC कंप्लीट हो जाती है। नीचे आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1,60,000 रुपये का जो है यहाँ पर लोन के लिए यहाँ पर नीड थी, तो मुझे यहाँ पर जो है मेरे सिविल के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ 80,000 रुपये का लोन अप्रूव्ड हुआ है। तो आप इसको लेने के लिए अब आपको यहाँ पर अपना जो है ऑटोमेटेड यानी कि ई मैंडेट करना होगा। ऑटो सेटअप जो भी आपकी ईएमआई बनती है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से कट हो जाएगी, यानी कि डेबिट हो जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर दो तरीके मिलते हैं। पहला तरीका आपको यहाँ पर मिलता है नेट बैंकिंग का, दूसरा तरीका आपको यहाँ पर मिलता है डेबिट कार्ड का। तो आप दोनों तरीके से अपना ऑटो सेटअप कर सकते हैं। आप यहाँ पर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में अपना यहाँ पर बैंक नेम सेलेक्ट करेंगे, आपका अकाउंट किस टाइप का है, करंट या सेविंग। उसके बाद में आप यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड जाएगा, उसके बाद में आपकी बैंक डिटेल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी इसमें ऐड हो जाता है और आपका ई मैंडेट भी यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर रिव्यू लोन का ऑप्शन मिलेगा, आपका जो लोन है वो रिव्यू में चला जाता है। कुछ देर के बाद जो है यहाँ पर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
कि कितने रुपए की आपकी यहाँ पर ईएमआई बन रही है, कितना इंटरेस्ट लग रहा है, कितनी प्रोसेसिंग फीस जा रही है, कितना टैक्स जा रहा है, वो सभी देख पाएंगे आप यहाँ पर। आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका लोन जो है अप्रूव्ड हो जाता है। कुछ ही घंटों के अंदर आपका लोन जो है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। इसका दोस्तों समय जो है, अगर अगर यहाँ पर जो है कोई हॉलीडे पर जाता है, कोई छुट्टी होती है, तो यहाँ पर आपका लोन अमाउंट है वो दोस्तों 1 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर जो है आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 7 दिन तक का भी समय लग सकता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी आपने लोन अप्लाई किया है तो वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है डीएमआई फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।